नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे हम बहुत सारी वीडियोस डाल चुके हैं बीएड के रिगार्डिंग और बहुत टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बीएड पूरे तरीके से आ सके। सबसे पहले हमने बीएडो का हेयर ग्रोथ ऑयल यूज़ करा, उसके बाद हम मुश्टैक पे गए। बीएडो ने किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प नहीं करी थी, मुश्टैक बीएड ऑयल ने काफ़ी हेल्प करी थी। एंड अब मुश्टैक मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। जो बीएड आनी थी मुश्टैक की वजह से वो पूरी तरीके से आ चुकी है, मतलब जो चीक्स के एरिया पर नहीं आई थी वहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रोथ आई थी, बट स्टिल मुश्टैक बीएड ऑयल पूरे तरीके से काम नहीं कर सका एंड कुछ पैचेज़ रह गए हैं इस साइड पे एंड इस साइड पे। तो कुछ जगहों पर फॉलिकल्स हैं जो कि थिक नहीं हो पा रहे हैं और कुछ जगहों पर अभी भी बीयर्ड नहीं आई है। तो एक और ऑयल है जिसके मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़े कि क्या क्या यूज़ हुआ उस ऑयल को बनाने के लिए, और फिर मैंने मुश्टैक एंड इस ऑयल को जो कि हम अभी अनबॉक्स करने वाले हैं इन दोनों को कंपेयर करा। तो कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स थे जो कि मुश्टैक में नहीं थे एंड इसमें यूज़ करे गए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो अभी कमी रह गई है मेरे बीएड आने में वो ये ऑयल पूरा कर देगा। तो हम एक और सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें आपको बताऊंगा कि 30 डेज़, 45 या 60 डेज़ मतलब क्या रिज़ल्ट रहेगा। तो पहले मैं इसको साथ साथ ओपन कर लेता हूँ। तो ये है वो बीएड ऑयल, इसका नाम है मेनेस्टिक बीएड ऑयल। तो सबसे पहले टेक्निकलिटीज़ की बात कर लेता हूँ कि क्यों मुझे मुश्टैक से हट के अब मेनेस्टिक बीएड ऑयल पर आना पड़ रहा है। तो जो बेसिक ऑयल्स मुश्टैक में यूज़ कर रखे हैं वो है जोजोबा ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सैंडलवुड ऑयल और सीडरवुड ऑयल। और उसके बाद मेनेस्टिक बीएड ऑयल में जो यूज़ कर रखे हैं वो हैं आर्गन ऑयल, कैस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल। और आर्गन और कैस्टर ऑयल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने घर पे बीएड ऑयल बनाया था, उसमें कैस्टर ऑयल का मैंने बताया था कि यूज़ होता है और आमंड ऑयल भी सजेस्ट करा था सबको। तो ये दोनों ऑयल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में आपको जोजोबा ऑयल, रोजमेरी ऑयल, सीडरवुड ऑयल और विटामिन ई मिलता है, और विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीएड के लिए। तो ये विटामिन ई, आर्गन ऑयल एंड कैस्टर ऑयल मेरे अकॉर्डिंग मुश्टैक बीएड ऑयल में मिसिंग थे और इस वजह से मुझे लगा कि मुझे ये मेनेस्टिक बीएड ऑयल मंगवाना चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये ऑयल हेल्प करेगा। और लगाने का तरीका सेम है कि आप फेस वॉश कीजिए, दिन में दो बार लगा लीजिए बीएड, मतलब थोड़ा सा ऑयल लीजिए बीएड पे लगाइए, एरिया बीएड एरिया पे लगाइए और थोड़ा जेंटली मसाज कीजिए 2-3 मिनट तक, और उसके बाद 4-5 घंटे बाद मुंह अपना धो सकते हैं आप। तो लेट्स होप अब ये ऑयल वर्क करे। एंड अगर प्राइस की बात करूँ तो इसका जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 750 रुपीज़ फॉर 50 ml, बट फ्लिपकार्ट पे आपको ये 500 से 600 के बीच में मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा सा डिफर करता रहता है। और अगर आपको डायरेक्ट लिंक्स चाहिए हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल मेरे पास इस ऑयल के बारे में बताने के लिए और कुछ भी नहीं है। जो होगा बताने के लिए वो अराउंड 25 से 30 दिनों के बाद होगा। तो मैं एक 25 से 30 दिनों के बाद एक अपडेट डालूंगा वीडियो का कि किस तरीके से इस ऑयल ने मेरे लिए वर्क करा। और आई गेस एंड आई होप ये पूरी तरीके से पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसमें जो ऑयल्स यूज़ कर गए हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ये ऑर्गेनिक ऑयल है पूरी तरीके से, इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाल रखा जैसे कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया। आई गेस आप समझ ही गए होंगे, जो नहीं समझे उनके लिए मैंने पॉइंट ऐड करा। और मैं कभी भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपनी बीएड के साथ या अपने स्किन पे कोई भी ऑयल लगाता हूँ, तो मैं सबसे पहले यही चीज़ चेक करता हूँ कि क्या वो चीज़ पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं कोई केमिकल डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई कर दूँ वो काम ना करे पता लगे और काम बिगाड़ ज़्यादा दे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ऑयल पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और इस वजह से मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ अपने फेस पे, क्योंकि अगर बीएड आएगी नहीं तो एटलीस्ट कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब थोड़े दिनों बाद बस इसका एक अपडेट वीडियो मैं डालूंगा जल्दी। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट्स चाहिए इस ऑयल के लिए तो नीचे आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप उसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। रेस्ट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस ऑयल को लेके, जो कि अभी तक मुझे लगता नहीं मैं कुछ खास आंसर कर पाऊंगा या कुछ ऐसा बचा है कि जो बताना रह गया हो, तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं आपको क्वेश्चन ज़रूर आंसर करूँगा। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की।